व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ नीरज। कम टू माय चैनल NSV डिज़ाइनर। आज मैं आपको दिखाऊँ कैसे हम लोग एक ज्योमेट्रिकल लोगो डिज़ाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। सो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विद द हेल्प ऑफ लाइंस हम ग्रिड्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे एज अ लोगो। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग लाइन्स ड्रॉ करेंगे। मैं थिकनेस 1 दूंगा उसको और इसका 12 कॉपीज बना दूंगा। 3, 4, 5, 6। ओके, फिर इसको ग्रुप करके सर सेंटर में अलाइन कर दूंगा। फिर सर एक कॉपी बनाएंगे। गो टू इफेक्ट, कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट। फिर इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे। ओके, फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे। इलिप्स टूल सिलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट में जाके शिफ्ट प्रेस करके इसका सर्कल बनाओ। ओके, फिर इस सर्कल का डुप्लीकेट बना लीजिए कंट्रोल एफ और इसको छोटा बनाओ। ओके, अभी सभी लाइंस को, अभी तो ग्रिड हो गया इसका, तो सभी को सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करके ज़रा जूम कीजिए। पहले हम लोग लेटर ई बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड पे जाके, सॉरी, इससे पहले एक जो कलर ग्रेड है ना उसको फिल में रखना चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो फिल कीजिए। और जो कुछ गैप्स है उस गैप्स को प्रिसाइजली फिल कीजिए। गैप्स रहने ना चाहिए। फिर ओके, तो लेटर ई तो रेडी हो गया। अभी लेटर एस बनाना चाहिए। ओके, तो इसका एक 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 लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसा तक, यहाँ तक ले जाइए इसको। फिर ये ऐसा सेम मेथड, सबको सेम मेथड आता है। अरे यहाँ तक तो लेटर एस रेडी हो गया। अभी लेटर ई बाकी है। अभी मैं इसको इस लेटर ई को मैं यहाँ पर उल्टा मतलब रिफ्लेक्ट व्यू में बताऊंगा। तो सेम मेथड में फुल जो कुछ भी गैप है सब गैप को फिल करना चाहिए। तो यहाँ पर तो लोगो रेडी हो गया। ओके, अभी इसका एक और स्टेप है जरा एनहांस करने के लिए। तीनों लेटर को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट प्रेस वर्क करके। ओके, फिर इसको स्ट्रोक दीजिए ज़रा सा, जरा थिकनेस आएगा तो ज़रा अच्छा लगेगा उसमें। फिर ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपांड, फिर स्ट्रोक सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये सभी सिलेक्ट करके पाथ इसको यूनाइट कीजिए। तो हो गया। सो दैट्स इट, लोगो इज रेडी। तो कुछ सिंपल स्टेप्स और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप लोग इजीली ज्योमेट्रिकल लोगो बना सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोस। अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे विद वॉइस ओवर्स। दैट्स इट गाइस, दैट्स अ रैप। थैंक यू।